देखिए, थाना सूरजपुर क्षेत्र में तिलपता गोल चक्कर के पास हमारी पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। सूचना मिली और एक जायलो गाड़ी को जब रोकने का हम लोगों ने इशारा किया तो गाड़ी सवार ने जो है वो बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मामले को गंभीरता देखते हुए हमारी फोर्स के लोगों ने भी पीछा किया और आगे आके जो है बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, एक गिरफ्तार हुआ है। कितने बदमाश थे सर, इनके बारे में पता चल पाया कि क्या आपराधिक इतिहास है इनका, कितनी घटनाएं की होंगी इन्होंने अब तक? अब आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग अब पता करेंगे। अब जो बरामदगी क्या क्या हुई है सर? बरामदगी अभी 2 से 2.5 लाख के आसपास की ज्वेलरी इसके पास से बरामद हुई है, कारतूस मिले हैं और 4 जो है असलहे मिले हैं। कहाँ कहाँ घटनाएं करते थे सर ये, किस तरह की वारदातों को अंजाम? इनका जो घटना जो है क्षेत्र है वो आमतौर पर है NCR रीजन नहीं रहा है और ये बदमाश जैसा कि देखा कि लिफाफा गैंग से संबंधित रहा है, जनपद गाजियाबाद का रहने वाला है। ओके सर, थैंक यू। सर, पुलिस को घायल हुआ है क्या? नहीं, पुलिसकर्मी कोई घायल नहीं हुआ है। यद्यप कि हमारी पुलिस जो हमारी पुलिस की गाड़ी थी जो खड़ी थी उस पर इन्होंने फायर किया तो एक बुलेट गाड़ी पर लगी, एक बदमाश को गोली लगी है। जी हाँ। कितने लोग फरार है इसमें? 2 बदमाश अभी फरार बताए जा रहे हैं। ठीक, थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद सर।